Very good afternoon to all. Good afternoon. आज अभी कल तक होपफुली कल नहीं तो परसों तक इसका कुछ ना कुछ तो फाइनल हो ही जाएगा, है ना? कल या परसों तक कुछ ना कुछ फाइनल हो जाएगा. वेरी गुड आफ्टरनून बेटा. आर्टिकल की सीरीज में जल्दी ही कंटिन्यू करूंगी, बस ये थोड़ा सा आईज में जो प्रॉब्लम है ना, ये एक बार से सॉर्ट आउट हो जाए, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद में आर्टिकल्स की क्लास हम लोग कर देंगे. देखो वही वाली बात होती है कि एक बार से चीजें सही रहेंगी ना तो नंबर ऑफ क्लासेस हम बढ़ा सकते हैं. ओके, तो बस थोड़ा सा टाइम और दे दो, एक दो दिन का, उसके बाद में होपफुली अगर मंडे तक मेरा जो दूसरा वाला चश्मा है अगर वो मुझे मिल जाएगा तो फिर उसको करेंगे. भाई इकोनॉमिक सर्वे तो अब प्रेजेंट हुआ है, एक्ट ऑफ गॉड अब लेकर आई है इकोनॉमिक सर्वे. इतना समय लगा दिया उन्होंने, 1:30 बजे के बाद तो इकोनॉमिक सर्वे आया है. अब देखो कितनी देरी चलता है, भगवान ही मालिक है. चलिए देखेंगे, ठीक है? तुम्हारा चश्मा ही टूट गया है, बहुत सही. नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. ऑलराइट, फिलहाल आपको ये बता रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक सर्वे 3 बजे तक खत्म हो जाएगा तो इसको हम लोग आज कवर कर लेंगे 4:30 बजे, वरना 4:30 बजे आज कोई दूसरा टॉपिक पढ़ लेंगे और उसके बाद में कल सुबह करंट अफेयर्स के जस्ट बाद में हम आपको 8:30 बजे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा देंगे, ठीक है? अगर एग्रीड तो एक बार से थम अप मार दो क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से आप जानते हैं कि क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, सेक्शंस के ऊपर क्लास. चलो वेल ट्राई, बस 2-3 दिन का सवाल है भाई, सिर्फ 2-3 दिन का सवाल है. ओके, नहीं, आई विल टेक रेस्ट. और ये ध्यान रखिएगा कि आज शाम को भी आपका क्लास लगा हुआ है, कितने बजे? 6:30 बजे. सबको मालूम है ना ये बात? सबको पता है ये बात? टेलीग्राम लिंक वगैरह सब बाद में बात करेंगे, अभी पहले पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. प्लीज अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा. आज शाम को आपके लिए जो क्लास शेड्यूल किया गया है 6:30 बजे है. यूट्यूब पे ये क्लास रहेगा. यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, जहाँ पे डेली आप सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स पढ़ते हो. वहीं पे पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको एक साथ पढ़ाया. MB नहीं बचा भाई, थोड़ा सा कर लेना MB. वो देखो वो पूछ रहा है, 10:30 का क्लास आज नहीं हुआ. बचाओ भाई, ताली बजाओ पहले इसके लिए. मतलब हम कह कह के थक चुके हैं बेटा, 10:30 का क्लास मंडे टू थर्सडे होता है. आज कौन सा दिवस होता है बताओ, है ना? चले तो मिलेंगे आपसे पहले तो 4:30 बजे, देखते हैं. अगर इकोनॉमिक सर्वे पूरा हो गया तो इकोनॉमिक सर्वे आज करा देंगे, और अगर इकोनॉमिक सर्वे आज नहीं हो पाया तो कल सुबह 8:30 बजे करा देंगे. बस एक बार से टेलीग्राम जरूर से चेक कर लेना, राइट? तो ये क्लास रहेगा आज शाम को 6:30 बजे आपका. इसके अलावा आपको ये बता दें कि कल आपका जनवरी का जितना करेंट अफेयर्स है उसको भी पढ़ा के खत्म करेंगे. छुट्टी मिले भाई साहब, ठीक है? छुट्टी मिले करंट अफेयर्स से. तो ये याद रखना है यहाँ पे, कल सुबह 10 बजे कहाँ पे? वाईफाई स्टडी चैनल पे आपका जनवरी का करंट अफेयर्स हम पढ़ा के कहानी इसकी खत्म करेंगे, है ना? नो छुट्टी. 2 बजे सब्जेक्टिव, या सब्जेक्टिव तो वी विल चेक. आई विल ट्राई माई बेस्ट. चले अच्छा, तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको याद रखना, और संडे को जो आपके क्लासेस हैं प्लीज उसका टाइम भी याद रखिएगा, सुबह 8 बजे और उसके बाद में शाम को 7 बजे रहेगा. क्या पढ़ाया जाएगा इसमें? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्लास होगा. और मंडे से दोपहर में 2 बजे और 10:30 बजे क्या क्या टॉपिक्स होंगे वो भी आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा, ठीक है ना? अब बात करें, क्लास शुरू किया जाए. संडे को रेस्ट करेंगे. देखो संडे को ना सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ा लेंगे, फिर पूरा दिन भर रेस्ट किया जाएगा, फिर सीधे शाम में 7 बजे मुलाकात होगी. आप भी रेस्ट करोगे, हम भी रेस्ट करेंगे, राइट? डन, थम अप हो गया. चलो कॉपी पेन निकाल लो अपना और यहाँ से लिखना शुरू करना. सिर्फ इससे पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दें, नमस्ते प्रणाम. चलो पढ़ना शुरू करो. ए भाई काहे मेरे मुंह पे सीधे आ रहे हो? हाँ सुनिएगा, वाह 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 वाह, इंस्टा पे अपलोड करें भाई साहब, ये खतरनाक काम है. चलो आई विल ट्राई माई बेस्ट. आज तुम्हारी 2nd रैंक आई थी, बहुत बढ़िया. सुनिए अच्छा, आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, आपके पास में 31st ऑफ जनवरी तक का टाइम है.
आप अभी भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपके चैट बॉक्स पे शेयर है, इस पे क्लिक करके प्रति 10 कोड यूज करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि अब इसका प्राइस कितना हो गया है, इसमें 500 इंक्रीज हो गया है, राइट। तो यहाँ पर टोटल जितना भी होगा उस पर आपको क्या करना है, 10% ऑफ मिल जाएगा, सो दैट यू कैन ज्वाइन इट। अब हम चैट को करेंगे बंद और पढ़ाई करेंगे यहाँ पे शुरू। चलिए, हाँ जी, आई होप कि कॉपी पेन सबका निकल आया होगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, है ना। रामसर साइट्स, कौन बताएगा कि रामसर साइट्स क्या होती हैं? रामसर साइट्स क्या होती हैं? बताओ, जरा बताना शुरू करो। कितनी है ये नहीं पूछा है, क्या होती है ये पूछा है। अच्छा देखो, एक्चुअली रामसर क्या है ना, रामसर एक जगह का नाम है, दिस इज अ नेम ऑफ प्लेस, ये एक जगह का नाम है। कहाँ पर ये जगह है? ये जगह आपको ईरान के अंदर मिलती है। अब कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैम ये जो आप हाई लेवल टॉपिक्स पढ़ाते हो ये हमारे रेलवे में नहीं आता। तो बुद्धू बच्चों, ये ध्यान रखना, जैसे कि मैंने ये बोला कि रामसर जो है वो ईरान के अंदर आता है, तो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये बताइए रामसर नाम की जो जगह है ये कौन सी वाटर बॉडी के किनारे देखने को मिलती है। तो आंसर क्या है? कैस्पियन सी है। क्या है आंसर? कैस्पियन सी है। तो इस गलत फहमी में मत रहा करिए कि यहाँ पे जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा हर एक टॉपिक जो है वो हमेशा ऐसा होता है कि हर एक बच्चे के काम के लिए वो, ठीक है। चले, तो रामसर के बारे में हमने बात कर ली। अब बोला जा रहा है वेटलैंड, तो पहली बात तो ये समझो कि वेटलैंड और रामसर का मतलब क्या है। सिंपल है, देखिए, जब हम देखते हैं ना, जैसे कि मान लो कि बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है, किचकिच हो जाती है ना। ये जो कीचड़ हो जाता है, हमारी इच्छा नहीं होती वहां पे जाने की, लेकिन अगर कोई साफ जगह होगी और वहां पे पानी भरता जाए भरता जाए भरता जाए और आगे चल के अगर कोई एक नेचुरल वाटर बॉडी बन जाती है, तो क्या आप उसको देखने के लिए जाएंगे? जरूर आप जाएंगे उसको देखने के लिए, है ना। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर कि एक ऐसी जगह जहां पर आपको मार्शी एरिया तो देखने को मिलता है और वहां पे बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज आती हैं। हाँ यार, ये तुम लोग भाई अब लिखना बंद कर दो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अब लिखना बंद कर दो, अभी जब हम पूछेंगे तब लिखना। अब अपनी कॉपी पे थोड़ा हाथ चला लो। जहां पे माइग्रेटरी स्पीशीज आती हैं उसे हम क्या बोलेंगे? वेटलैंड बोलेंगे। अब वेटलैंड की जो सबसे पहली बैठक हुई थी, जो फर्स्ट पूरी समिट हुई थी, वो कहाँ हुई थी? रामसर के अंदर। कौन सा ईयर है? 1971। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो अगर वेटलैंड लिख के आए तो वेटलैंड, रामसर लिख के आए तो रामसर, मतलब दोनों सेम है, इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अब ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हम सबको पता है कब होता है, 2nd of February को वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर, तो टोटल कितनी साइट्स हो जाएंगी? टोटल कितनी साइट है? 42 साइट है, यही है ना। हाँ जी, रघुवीर राठौर, मुझे ये बताओ, या तो हम बच्चों के कमेंट देख ले या हम पढ़ा लें, दो में से एक ही काम हो पाएगा। बताओ भैया क्या करना चाहिए, पढ़ाऊं या कमेंट देख, बताओ, बता दो तुम। एक दिन मेरी जगह पर आके देखना, ठीक है, उसके बाद में पढ़ाना, और फिर हम बोलेंगे, हम बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, और फिर हम आपसे कहेंगे कि आप कमेंट भी नहीं देखती हैं। भाई जब कुछ पढ़ा रहे हैं तो पहले उस पर ध्यान दे लो, ठीक है। कमेंट बाजी जो आपकी चल रही है उससे कोई प्रॉफिट नहीं होने जा रहा है, बात समझ रहे हो? चीजें दिमाग तक जाएंगी वो आपके ज्यादा काम आने वाली है, तो पहले पढ़ लो। छोटे बच्चे नहीं होते हैं, हाँ मम्मी सुन नहीं रही है, मम्मी सुनती नहीं है मेरी बात, अरे मम्मी कभी तो मेरी बात सुन लो ना, ये सब नाटक यार यहां मत किया करो, ठीक है। आई हेट दिस, पढ़ने के लिए आए हो पढ़ो यार आके क्लास में। चलिए, अच्छा सुनिएगा, अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। एक बात ध्यान रखना, रामसर साइट्स में जब हम देखते हैं ना, तो आपको बहुत सारी लोकेशंस मिलती हैं और उनके आसपास का जो एरिया होता है वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। अब सुनो, रामसर साइट में सबसे जो बड़ी साइट है, या आप ये कह लो कि जब जो सबसे पहली साइट जोड़ी गई थी वो कौन सी थी? दैट वॉज चिल्का लेक। कौन सी है? सबसे बड़ी भी है और सबसे पहली भी है, अभी कब जुड़ी बताएंगे। तो ये कौन सी हो जाएगी? चिल्का लेक।
अगर आपसे पूछा जाए कि अभी लेटेस्ट वाली कौन सी लेक जोड़ी गई है या कौन सी जगह जोड़ी गई है, तो आपको याद आ रहा होगा लद्दाख के अंदर एक प्लेस है, एक झील है जिसको अभी हाल ही में जोड़ा गया है। नाम बताओ कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अब लिखो, अब लिखो, जब लिखने को बोले तब लिखो। सोकर, बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा, सोकर लेक जो है इसको अभी हाल ही में इसके अंदर जोड़ा गया है। अब सुनना, यहाँ पर जो भी साइट्स आपको बताएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और ये कहाँ पर हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, उसको लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। ओ मम्मी सोकर, उसके बाद आएगी फ्लाइंग, क्या समझ गए ना आगे, फ्लाइंग कोल्हापुरी। सुनिएगा, पहला क्या है, अष्टमुदी। पहली कौन सी है, अष्टमुदी। आपने पढ़ा होगा कि अष्टमुदी जो है ये एक तरीके की क्या है, लेक है, क्या है ये, झील है। कहाँ पर, केरला के अंदर। सेकेंड पॉइंट सुनना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ब्रैकिश वाटर या फिर लगून कहते हैं। लगून का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बॉर्डर लाइन होती है जो किसी लैंडमार्क को किसी फ्रेश वाटर से अलग करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लगून कहते हैं। कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट में है, तो कोलम नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां इसकी लोकेशन पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट सुनिएगा, ये वो जगह है जहां से कौन सा वाला वाटरवे जाता है, वाटरवे 3 जाता है। इंडिया में टोटल कितने नेशनल वाटरवे हैं, इंडिया में टोटल कितने नेशनल वाटरवेज हैं, आंसर 3 है, कूटे जाओगे, 11 है, बहुत बढ़िया। देखो ये अपने हिसाब से नया कोई बना दिया होगा इसने, कितने हैं, 6 हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो अभी वर्किंग हैं और अभी एक क्या हो रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। जिसमें से जो नंबर 1 है वो कौन सी नदी के ऊपर है, गंगा के ऊपर है, और जो नंबर 2 है वो ब्रह्मपुत्र के ऊपर है। तो ये दो आपको तो वैसे भी याद रखने ही रखने, ठीक है। जो जो 3 वाला है ना, ये कहाँ पर है, ये आपको केरला वाले एरिया में मिलता है, बहुत अच्छी बात है। अब आओ नंबर 2 पे, आधे लोगों ने ये वाला नाम तो कभी नहीं सुना होगा, कितने लोगों ने ये नाम सुना है, कितने लोगों ने नाम सुना है, चलो अच्छा सुनो, व्यास कंजर्वेशन रिजर्व। क्या है, व्यास कंजर्वेशन रिजर्व। अब पहले तो हम ये जानेंगे कि जो व्यास नदी है, व्यास नदी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है, है ना। और यहीं पर ये जो व्यास नदी है, इसी पे हम लोगों ने देखा था कि क्या बना हुआ था, पोंग डैम बना हुआ था, और इसी जगह पे क्या मिलता था, पोंग लेक देखने को मिलता था। ये वही वाली प्लेस है जहां पे अभी हाल ही में क्या हो गया था, क्या हुआ था, बर्ड फ्लू हुआ था, बहुत बढ़िया। क्या हुआ था, यहाँ पर बर्ड फ्लू हो गया था अभी रिसेंटली इस जगह पर, तो ये बात तो आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, ये कहाँ पर है, तो पंजाब के अंदर है। पंजाब के अंदर ये जो व्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, इसमें क्या पाई जाती है, डॉल्फिन। एक पॉइंट याद रखना, ये गैंगेटिक डॉल्फिन नहीं है, ये गैंगेटिक डॉल्फिन नहीं है, इस पॉइंट को याद रखना, राइट। पता चला कोई आपसे पूछ ले गैंगेटिक डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, तो आंसर मार्क करके चले आए कि पंजाब के अंदर पाई जाती है ना, तो ऐसा मत करना। तो ये क्या है, डॉल्फिन पाई जाती हैं, लेकिन IUCN की लिस्ट के अंदर क्या है, इनडेंजर। तो ये जो डॉल्फिन है मैम, ये कौन सी वाली डॉल्फिन है, तो ये कौन सी है, इंदस रिवर डॉल्फिन है। कौन सी, इंदस रिवर डॉल्फिन। क्या आपको ये चीज पता है कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ का जो एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है वो क्या है, वो यही है, इंदस डॉल्फिन। मतलब भाई कॉपी करेगा तो एक्वेटिक एनिमल में भी कॉपी कर लिया, इसको शर्म नहीं आती, जहां मर्जी आती है वहां पे कॉपी कर लेता है, है ना। चलिए देखो अगला, देखो भितरकनिका मैंग्रोव्स। अब हम सबको पता है यहाँ पर कि भितरकनिका नाम का क्या है, एक नेशनल पार्क है, सभी लोग जानते हैं। हाँ बेटा आपके कमेंट शो हो रहे हैं, हनु कमेंट आपके शो हो रहे हैं, अभी पढ़ लेते हैं, है ना, करेक्ट है, काजरी यहीं पर आपको मिलेगा। देखिए भितरकनिका मैनग्रोव्स, अब अभी तक हम लोग तो ये पढ़ते आ रहे थे कि जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो आपको सुंदरबन डेल्टा में मिलते हैं, यही तो हमने पढ़ा था अभी तक, राइट। लेकिन सुनो, मैनग्रोव के जो फॉरेस्ट होते हैं वो आपको हर उस जगह पे देखने को मिलते हैं जहां पे दलदली क्षेत्र होता है, जहां पे क्या होता है, जहां पे करीबन आप ऐसे समझ लो बहुत ही ज्यादा मार्शी एरिया होता है, ओके। तो ये मैनग्रोव आपको थोड़े बहुत ओरिसा के कोस्ट में भी मिलते हैं, ये दिख रहे हैं, ये देखो इसमें जड़े जो है ऐसे ऊपर की साइड पे दिख रही हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है, दिस इज व्हाट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ओके। अब सुनो ये कहाँ पर है, ये ओरिसा के अंदर है, इसी जगह पे आपको मिलता है घड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जगह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, याद आया,
याद आ भी गए हो कि नहीं? अरे वाह, डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया, बहुत बढ़िया। दूसरा सुनो, ये कैसी जगह है? यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। कौन से क्रोकोडाइल्स? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, और साथ में ऑलिव रेडली टर्टल्स पाए जाते हैं। अगर कोई कभी पूछे इंडिया के अंदर सबसे पहला क्रोकोडाइल के लिए जो सेंसस हुआ था उसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आप आंसर क्या करोगे? भितरकनिका नेशनल पार्क पे, सबसे पहला भितरकनिका नेशनल पार्क पे सबसे पहला क्रोकोडाइल सेंसस किया गया, राइट? चलो नेक्स्ट पेज पे आओ। क्या हुआ? व्यास वाला रिपीट कर दूं? बेटा व्यास वाला मैंने ये बोला कि जो व्यास नाम की नदी है वो इंपॉर्टेंट रिवर है हिमाचल प्रदेश की, और वहां पर आपको पोंग डैम देखने को मिलता है। ये जो एक पूरी की पूरी साइट है ये आपको पंजाब के अंदर मिलती है, वहां पे इंडस वाटर डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है? ये मैंने आपको बताया। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आओ। हाँ बिल्कुल सही है। अगला देखो, भुज वेटलैंड। आपने सुना होगा भुज ताल। भुज ताल का नाम कितने लोगों ने सुना है? भुज ताल का नाम कितने लोगों ने सुना है? गैलापागोस आइलैंड। बहुत खूब। देखो ये सब आंसर बच्चों को कब आते हैं? जब वो बच्चा रिविजन करता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने पढ़ाया इसलिए उसे आता है, नो, मैं तो पढ़ा के खत्म कर दूंगी, लेकिन जब तक वो रिविजन नहीं करेगा तब तक कैसे पता चलेगा? ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। मैम क्या रामसर में सिर्फ इंडिया की साइड होती है? नहीं बेटा, ऑल ऑफ द वर्ल्ड होती है, ऑल ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, एमपी के अंदर आपको क्या मिलेगा? भुज वेटलैंड मिलेगा। इस जगह पे अगर आप देखें तो ये कौन सी जगह पर है? भोपाल के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पर आपको दो लेक्स मिलती हैं, एक तो है भुजताल, दूसरी कौन सी है? लोवर लेक। अच्छा अगला सुनो, यहाँ पर अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ये जो जगह है क्या ये आर्टिफिशियल है, क्या ये आर्टिफिशियल है? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये कैसी है? ये आपकी आर्टिफिशियल बनाई गई है। जैसे कि हम कहते हैं ना गोविंद सागर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वो भी क्या है? वो भी आर्टिफिशियल है, यानी कि मैन मेड है। जैसे कि मैंने बोला नक्की लेक, अब ये नक्की लेक कहाँ पर है? नक्की लेक आपको मिलेगा कहाँ? अरावली के ऊपर। क्या वो भी आपका मैन मेड है? जी हाँ, वो भी क्या है? वो भी मैन मेड है। तो ये पॉइंट्स याद रखना, ठीक है बेटा? पीडीएफ मिलेगा, अभी फिलहाल पढ़ तो लो, पढ़ाई तो कर लो पहले। अच्छा सुनो, नेशनल पार्क अफ्रीकन टाइगर्स लाए गए थे, बिल्कुल सही है। अगला सुनिएगा, लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया क्या पाया जाता है यहाँ पे? सारस क्रेन पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए साइबेरियन क्रेन कहाँ पाए जाते हैं, साइबेरियन क्रेन कहाँ पाए जाते हैं? ओडिशा में, केलो दियो घाना में। बिल्कुल सही है, केलो दियो घाना में आपको इसकी लोकेशन मिलती है, वेरी नाइस। चलो अब आ जाओ सबसे पहली साइट जिसको इसके अंदर जोड़ा गया था, वो कौन सी थी? चिल्का लेक थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था चिल्का लेक कहाँ है? ओडिशा के अंदर है, हम सभी लोग जानते हैं, कुछ मैंने नया आपको नहीं बता दिया। सबसे पहली साइट है जिसको इसके अंदर जोड़ा गया था। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सुनना है यहाँ पर कि ये कैसा है? ब्रैकिश वाटर है। कई बार हो सकता है ऑप्शन में आपको लगून लिख कर आ जाए, हो सकता है ब्रैकिश वाटर लिख के आ जाए, बट ये याद रखना ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये फ्रेश वाटर नहीं है। पता चला आधे लोग इसको फ्रेश वाटर मार्क करके चले हैं। अब वो सुनो, यहाँ पर ये वाला पॉइंट बड़ा ही अनोखा है, सुनना। यहाँ पर एक रिवर आती है जिसका नाम क्या है? दया रिवर। तुम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने इसका नाम सुना है? अच्छा, तुम्हारे घर से इतनी दूरी पे है, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों ने इसका नाम सुना है? सुने हो ना? सुना ना, इसीलिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं, और कल इसी के ऊपर टेस्ट है, ये ध्यान रखना, कल इसी के ऊपर टेस्ट होगा 11:15 बजे। पेपर सेट होके चला गया है यहाँ से, बता रहे हैं तुमको, जीरो अगर नील बटे सन्नाटा है तो कूटे भी जाओगे तुम लोग। देखिएगा, दया रिवर आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, और जो सबसे बड़ा लगून है इंडिया के अंदर वो कौन सा है? वो भी यही है। यहाँ पे क्या मिलेगी आपको? इरावडी डॉल्फिन, इंपॉर्टेंट है याद रखना, इरावडी डॉल्फिन मिलेगी, और IUCN की लिस्ट के अंदर क्या है ये? इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। लगून क्या होता है बच्चा? देखो जैसे कि मान लो ये लैंड है ना, ये क्या है? ये ओडिशा स्टेट है। यहाँ पे आप देखोगे मैप में तो क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो इसके बीच में जो आपको एक बॉर्डर लाइन देखने को मिलती है जो लैंड को वाटर से अलग करता है, उस पूरी रेत को, रेत होती है ना वो, उस पूरी रेत को हम लगून बोलते हैं। ऐसे समझ लो जैसे गांव में मेड़ होती है ना, मेड़ जो खेतों को डिवाइड करती है, उसी को यहाँ पर बोलते हैं। अच्छा, इरावडी डॉल्फिन, अब सुनो ये नदी है कहाँ? इरावडी रिवर जो है
ये कहाँ पर है? ये म्यांमार की काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, अगर आप, हाँ सेकेंड लार्जेस्ट, बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए इरावडी रिवर बेसिकली कहाँ की है, तो आप आंसर करोगे म्यांमार की है। यहाँ पे आपको एक बर्ड सेंचुरी भी मिलती है, क्या नाम है? नलबाना बर्ड सेंचुरी। हो सकता है कल आपको इसके ऊपर एक सवाल भी मिल जाए, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता, हो सकता है। अगला सुनो, देबुर बिल, देबुर बिल कहाँ पर है? आसाम के अंदर है, हम सब लोग जानते हैं इसके बारे में। अच्छा क्यों जानते हैं? अभी क्या हुआ था, काटी बिहू फेस्टिवल हुआ था, याद आ रहा है? काटी बिहू फेस्टिवल हुआ था, उस टाइम पे बोला गया था कि यहाँ पे मछली जो है उसके पकड़ने के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, बैन लगाया गया था, राइट? चलो अच्छा ये बात हो गई। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये जो जगह है ये कहाँ है? आसाम के अंदर है, वेरी नाइस। लेकिन आसाम की इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, गंगा तो वो नहीं जाएगी। तो सिंपल सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, अगर सपोज सवाल पूछा गया कि कौन सी वाली रिवर है, तो आप आंसर क्या करोगे? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अच्छा मुझे ये बताओ, काजीरंगा नेशनल पार्क, राइट, काजीरंगा नेशनल पार्क का जो दूसरा भाई है जिसे हम मिनी काजीरंगा कहते हैं, वो कौन सा नेशनल पार्क है? वो कौन सा नेशनल पार्क है? आंसर पोवितोरा, पोवितोरा, पोवितोरा नेशनल पार्क है। कहाँ पे मैक्सिमम है बेटा? रामसर साइट जो है ना वो आपको मैक्सिमम मिलेंगी यूके के अंदर, आई थिंक करीबन 172 या 175 के आसपास है, ठीक है? चलिए हाँ, इसका आंसर देखो यहाँ पे, तो ये कहाँ है? गुवाहाटी के अंदर है। और ये देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलता है, और इसी को भी बोला गया था ये क्या है, मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखो, हर एक वेटलैंड। अब आप ये चीज जानते हो, पंजाब के अंदर कोई भी नेशनल पार्क नहीं, ये मैंने आपको पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले की बात है, है ना? तो देखो पंजाब के अंदर जो आपको वेटलैंड मिलता है इसका नाम क्या है? हरेक। यहाँ पे दो नदियां आके मिलती हैं, कौन कौन सी? व्यास और सतलज। और ये याद रखिएगा, हो सकता है कल के पेपर में आपको एक सवाल मिल जाए कि पंचनाद के नाम से भारत के कौन से राज्य को जाना जाता है। मैम आजकल आप सपने में भी सवाल पूछते हो, है सपने में तुमको मेरी आवाज सुनाई दे जाती है? मेरी आवाज तो मेरे भाई को भी सुनाई नहीं देती, चिल्लाते रहो सुनते ही नहीं, तुमको सपने में सुनाई दे जाती है, गजब। चलिए अच्छा अच्छी बात है, पंचनाद की अगर हम बात करें तो पंचनाद के नाम से कौन सी जगह? पंजाब है। यहाँ पे पांचों नदियों का मेल होता है इसीलिए इसको पंचनाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, केलो दियो घाना, घाना है, घाना, खाना नहीं है, इसका दूसरा नाम क्या है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी। वेरी गुड जगदीप, बहुत बढ़िया, क्या है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे साइबेरिया से पक्षी आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, साइबेरियन क्रेन कहते हैं, कौन से स्टेट में? राजस्थान के अंदर है। यहाँ पे अगर पूछा जाए, बिल्कुल सही है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है बिल्कुल सही है, उसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर साइट्स आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाँ जी कुछ याद आया, कुलेरू लेक कहाँ पर है? कितनी साइट्स हो गई अब पता नहीं यार, देखो इम्पोर्टेंट वाली सारी समेट दी है मैंने एक क्लास के अंदर। और प्लीज ये याद रखना, इस संडे को प्लीज बच्चा क्लास मिस मत करना, अपने दोस्तों यारों को भी बोल देना कि 8 बजे पहला क्लास होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पहला पार्ट, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दूसरा पार्ट उसी सेम डे को हम शाम को पढ़ा के खत्म कर देंगे, ठीक है ना? प्लीज इसे मिस मत करना, ओके? चलो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। अब एक पॉइंट समझना, दो नदियों के बीच में, ऐसे ही क्वेश्चन कल के पेपर में मिलेंगे, ये दोनों क्लासेस आपके यही अनअकैडमी पे रहेंगे, फ्री स्पेशल क्लासेस है। हाँ जी कौन कौन सी दो नदियां हैं? आपको एक मिलेगी गोदावरी, एक मिलेगी कृष्णा, और जहां पे इनका ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, जहां पर, ना ना बच्चा 7 बजे वाली क्लास एज इट इज होगी, सुबह 7 बजे की क्लास एज इट इज होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा ये जो गोदावरी और कृष्णा रिवर आपको हम बता रहे हैं ना, तो अभी देखो रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस यहाँ पे क्रूड ऑयल बैठ के ढूंढ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, केजी बेसिन कहते हैं। गौरव नेगी कह रहे हैं मैम आप इग्नोर करते हो, जमाना हमें इग्नोर किए पड़ा है। नहीं बच्चा अभी आंखें ठीक नहीं हुई, आईज में भी थोड़ी दिक्कत और हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सुनिएगा, लोकटक लेक, ये तो सब जानते हो, ये तो सबको पता है, मालूम है ना कहाँ है? देखो
लोकटक लेक की बात करें तो मणिपुर के अंदर है। मैंने आपको बताया था अगर एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क पूछ लिया जाए, या फुमदीज पूछ लिया जाए, या फ्लोटिंग लेक पूछ लिया जाए, या फिर नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा लेक पूछ लिया जाए, तो सबका आंसर यही बनेगा। ठीक है, कहाँ है? मणिपुर में। नॉर्थ ईस्ट का, जरा इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है वो क्या है? लोकटक है। लेकिन अगर पूछा जाए इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर, तो आप आंसर क्या मार्क करोगे? इन दैट केस वुलर बोलोगे। ठीक है, हाँ, तैरता हुआ झील बता रहे। अगला पॉइंट सुनिएगा, तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ क्या झील, केबुल लामजुआ नेशनल पार्क, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? शंघाई डियर्स पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दिया यार, प्लीज इसको गड़बड़ करके मत आना। इसको क्या बोला जाता है? इसको डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? नाचता हुआ हिरन है ये, राइट। चलिए दूसरा पॉइंट, यहाँ पे क्या पाई जाती है? फुमदीस पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। अगला देखो, नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी, नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी, गांधियन एरा, मम्मी के नवाब गांधियन एरा हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए एक बार से मेरे टेलीग्राम पे चेक करना, लिंक पड़े हुए हैं, वहां से देख लो एक बार से। ओके, चलो अगला देखो, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गुजरात के अंदर है। दूसरा पॉइंट सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से एरिया के पास में है, अरे ना ना, तो कहां पर है? थार डेजर्ट के पास में। यहाँ पे क्या पाया जाता है? इंडियन वाइल्ड एशेस पाए जाते हैं, और ये किस में आता है? इनडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। कई बार ऐसा देखो होता है IUCN के अंदर कौन सी कैटेगरी में आया है, सिर्फ इतना पूछ के एग्जामिनर निकल लेता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। गुजरात के अंदर इसके अलावा गिर नेशनल पार्क है, ब्लैकबक नेशनल पार्क मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा? इतना ही पूछेगा, या एशियाटिक लाइंस पूछ लेगा, बस खत्म, इतनी इसकी लिमिट है। ओके, नेक्स्ट देखो, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये थोड़ा नया सा है ना, थोड़ा नया सा है ना, सुनिएगा, पंजाब, ठीक है, कहां पर है? पंजाब के अंदर है। समीर बस 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 सुन लो, अब सुन लो, सुनिएगा, पंजाब, पंजाब के अंदर आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है, और ये शिवालिक वाले एरिया में मिलेगी। देखो शिवालिक वाला जो एरिया है ना, उसे क्या बोला जाता है? आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, यानी कि इस जगह पर आके हिमालय का जो भाग है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां से शुरुआत होती है मैदानी क्षेत्र की, यानी कि क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। ओके, अरे बाप रे, बच्चे तुमने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर दिए। प्रदीप आपका तुमने सारे क्वेश्चन यहाँ क्यों शेयर किए? मुझे मुझे ग्रुप पे शेयर करना, ठीक है, ऐसे हम पढ़ थोड़ी ना पाएंगे एक साथ में। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या पाया जाता है? इंडियन पेंगुलिन पाया जाता है, जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और इजिप्शियन वल्चर्स पाए जाते हैं। अच्छा सुनो, वल्चर्स के लिए इंडिया के अंदर एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, 2020 से लेके 2025 तक आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। इसी जगह पे कौन सा डैम है? भाकरा नागल डैम है। बच्चा प्लीज ये पॉइंट्स लिखते जाना, ठीक है। पेंगुलिन कैसा होता है? कोरोना वायरस देखे हो? कोरोना वायरस देखा है? स्टार्टिंग में बोला गया था कि जो चाइना है वहां पे जो ये कोरोना वायरस फैल रहा है वो पेंगुलिन की वजह से फैल रहा है। तो आज तुम जाके पहले तुम सर्च करना कि पेंगुलिन दिखता कैसा है, उसकी बॉडी बड़ी गंदी सी खतरनाक सी देखने को मिलती है, ठीक है। प्रदीप तुम मुझे अलग से मैसेज शेयर कर देना, अलग से मैसेज शेयर कर देना, मेरी प्रोफाइल पे जाके मैसेज शेयर कर दो। ओके, चलो अगला सुनिएगा, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, अब ये कहाँ है? यूपी के अंदर है। सिर्फ एक लाइन याद रखो, इससे ज्यादा यहां से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं यहाँ से बनेगा। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि यूपी के अंदर दो नए अभी जोड़े गए ना, सवाल वहां से आएगा। चलिए सुनिएगा अगला, सांभर लेक कहाँ है? सब जानते हैं राजस्थान के अंदर है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। इनलैंड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मानो ये कोई लेक है ना, अब जो रिवर्स हैं वो इस तरीके से इसमें आके जुड़ेंगी, फाइन, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है इनलैंड वाटर लेक। ओके, प्लीज ये याद रखना। दूसरा, ये कैसी है? खारे पानी की है। कैसी है? खारे पानी की है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसमें कौन सी वाली रिवर आती है? इसमें लूनी रिवर आती है।
यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, फ्लेमिंगोज पाए जाते हैं। फ्लेमिंगोज क्या होती है, बर्ड होती है, राइट। मैम सॉल्टी वाटर, बेटा चिल्का है, चिल्का है, छिलका ना कोई समझ लेना, पता चला सोचे छिलका है मैम। अगला देखो शस्टम कोटा कहाँ है, केरला के अंदर है। अब केरला की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, आप आंसर कर दोगे मैम यही वाली है। अच्छा बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको ना तो ये याद रखने की जरूरत है ना तो ये याद रखने की जरूरत है। पूछो क्यों, पता है क्यों, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि आपसे सवाल में पूछा जाएगा वेम्बनंद लेक के बारे में, पता है क्यों, सुनो ये भी सुन लो, क्योंकि यहाँ पे ओनम के फेस्टिवल के टाइम पे नेहरू बोट रेस होती है और यही आपसे घुमा फिरा के हर बार पूछा जा रहा है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि केरला से अगर सवाल बनेगा तो या तो वो पूछेगा या फिर आपसे घुमा के एक लाइन में ये सवाल पूछा जा सकता है, राइट। अगला सुंदरबन, अब देखो सुंदरबन क्या है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या होता है, डेल्टा है ये, कहाँ पे मिलेगा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में आपको इसकी लोकेशन मिलती है, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सबसे बड़े क्या या फिर सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट। और इसी जगह पे अगर आप देखेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों आके मिलती है इसी जगह पर, और यहीं पर आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा डेल्टा देखने को मिलता है। और ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया के हिसाब से, प्लीज इस पॉइंट को बहुत कायदे से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी मैनग्रोव साइट कौन सी है या फिर सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो आप आंसर यही मार्क करके आओगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है मेहता, मेहता जी, अच्छा जो भी नाम रखा था तुमने, चले पुली गली करेक्ट है। अगला सुनो, सो मुरारी कहाँ की है, ठीक है ना, कहाँ की हो जाएगी, यहाँ की होगी, प्रदीप तुमने अपने नाम से अगर मेरे को मेल पे भेज दिया है तो आई विल चेक इट, शाम तक चेक करके हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे सुनना है हमको क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आज इन्होंने बड़ी देर से प्रेजेंट किया है, तो लेट मी चेक। बेटा बता तो दिया सबसे ज्यादा कहाँ पर रामसर साइड है, जब बताते हैं सुनते ही नहीं हो तुम लोग, अभी तो बोला यूके के अंदर है, बता तो था कहाँ चले गए थे। चलो सुनो, लद्दाख के अंदर ये जगह मिलेगी। अब पहला पॉइंट ये क्या है, यहाँ पर अब फ्रेश वाटर टू द ब्रैकिश वाटर, यानी कि कई बार ये आपको फ्रेश लेक भी मिलती है जब यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाती है, तो ये कैसी होती है, यहाँ पे फ्रेश वाटर होती है। दूसरा कैसा है, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस होने लगती है तो कैसा हो जाता है, ये ब्रैकिश हो जाता है, राइट। चलो आगे सुनो, अभी हम देखेंगे यार उसको एक बार से आ जाने दो, पूरा का पूरा सर्वे आ जाने दो, अगर सर्वे 4 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा तो हम पढ़ा देंगे 4:30 बजे, अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाता है, आई मीन टू से अगर 4 बजे के बाद में आता है तो इसको हम कल सुबह 8:30 बजे पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है, कल ही कराएं। 6:30 बजे तो बेटा आज 6 महीने का करेंट अफेयर्स यूट्यूब पे रहेगा, बायफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। चलो अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया। अब सुनो यहाँ पे क्या पाया जाता है, ब्लैक नेक्ड क्रेन पाई जाती है, यानी कि जो क्रेन वाले बर्ड्स होती हैं उनकी गर्दन कैसी होती है, काली होती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग नाते वाते नहीं है, है ना, क्या कहते हो तुम लोग, या वही मैं बोल रही हूँ, अगर 4 बजे तक कंप्लीट हो गया तो ही हम कराएंगे आज, वरना हम फिर इकोनॉमिक सर्वे कल कराएंगे, क्योंकि मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, राइट, बिना पढ़े तो ऐसे पढ़ा नहीं देंगे, यही कंसर्न है मेरा। अच्छा अगला देखिए, अपर गंगा रिवर कहाँ पर है, यूपी के अंदर है, और यहाँ पे क्या पाई जाती है, सबको पता है। सपोज इस बार के एनटीपीसी के पेपर के अंदर इन्होंने सवाल पूछा था गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में, है ना, तो ये याद रखिएगा कि गंगा रिवर डॉल्फिन, अगर ऑप्शन में गंगा रिवर नहीं दिया है तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे, ब्रह्मपुत्र मार्क करके आएंगे, राइट। चलो नेक्स्ट पे आओ, अगला बताओ, वेम्बनंद कोल अभी आपको बता ही दिया, अब इसमें कुछ बताने के लिए बचा ही नहीं है, ये मैंने आपको पूरी कहानी इसकी बता दी। अगला सुनिए, बुलर लेक, इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना कि जब हम डल और बुलर की बात करेंगे तो इन दोनों में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो क्या है, यहाँ पे जिस नदी का पानी आता है वो कौन सी है, दैट इज झेलम रिवर। कौन सी रिवर है, झेलम रिवर, कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है कौन सी, बुलर लेक है,
चले अब आते हैं, बात करते हैं जो नई वाली अभी रिसेंटली जोड़ी गई है, 5 या 6 नई जोड़ी गई है, एक बार से उनको डिस्कस कर लेते। देखो इंडिया के अंदर अभी टोटल 10 साइट को जोड़ा गया है, किसके अंदर, रामसर कन्वेंशन के अंदर। इसमें से कौन कौन सी है सुनना बहुत ही ध्यान से। सबसे पहला क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको याद आ रहा होगा कौन सी जगह, या मेरे को बताना पड़े। अरे अभी कीथम कहां से आ गई, रुक जाओ सुनना। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रही है, नंदूर नाम की एक जगह है, इसको यहाँ पे जोड़ा गया। यहाँ पे क्या चीज पाई जाएगी, लूनार लेक, राइट। अगला सुनो पंजाब। पंजाब के अंदर अगर आप देखेंगे तो केशोपुर मयानी, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ब्यास कंजर्वेशन पढ़ा दिया है, आपसे ये सवाल में पूछा जाएगा। अगला यूपी के बारे में बात करते हैं, नवाबगंज, ये क्या है, एक बर्ड सेंचुरी है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, यही थोड़ा सा उन्नाव और लखनऊ के बीच में इसकी लोकेशन है, ओके, इसको जोड़ा गया। इसके बाद में और भी साइट्स हैं, लेकिन नवाबगंज याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओके। अब देखो लूनार लेक भी इसमें जोड़ा गया है, कहाँ पर है ये, डेक्कन प्लेट्यू के एरिया में आपको मिलता है, और यहीं पर लूनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी लोकेशन है। इसी जगह के पास में आपको मेलघाट टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है। ये याद रखना कि ऐसा माना जाता है कि ये जो जगह बनी थी, ये जगह एक मेटियोर के गिरने की वजह से बनी है, यानी कि ऐसा माना जाता है यहाँ पे एक उल्का पिंड गिरा था। क्या गिरा था, उल्का पिंड गिरा था, और उसकी वजह से इसकी फॉर्मेशन हुई। अभी रिसेंटली हुआ था कि इसका कलर पिंक हो गया था, लोगों को लगा इसमें बच्चों ने पेंट वेंट कर दिया है ना, तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया था, उसकी वजह से इसका कलर कैसा हो गया था। अरे वाह, ये मुझे लग रहा है ये वो वाले बच्चे जो रोज आते हैं क्लास में, क्यों, वो कह रहा लिपस्टिक लगाई गई थी। छोड़ो यार, कभी कभी शब्द ही नहीं बचते मेरे पास तुम लोगों के लिए, ओके। नेक्स्ट देखो सोर सरोवर लेक कौन सी है, सोर सरोवर लेक, इसे क्या कहते हैं, कीथम लेक कहते हैं। क्या, कीथम, कहाँ पर है ये, जल्दी से आंसर करके बताओ, कुछ नया नहीं बताया, जल्दी बोलो, आगरा में, पक्का आगरा में, अरे वाह, कहाँ पर है, आगरा के अंदर है। देखिएगा इसकी लोकेशन कहाँ पर है, आगरा में, कौन सी रिवर के पास में, यमुना नदी के पास में इसकी लोकेशन आपको मिलती है। यहाँ पे करीबन 165 स्पीशीज पाई जाती है। रामसर साइट्स में अगर हम सबकी लोकेशन अगर देख लें तो एक बार से ये मैप भी आपको मिल जाएगा, बट जितनी साइट्स मैंने आपको पढ़ाई हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब मुझे एक और आंसर कर दो, बिहार के अंदर कौन सी वाली साइट है जिसको जोड़ा गया है, एक ये रह गई है, कबीरताल, बिल्कुल सही बात है, कौन सी, कबीरताल, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ साइट्स हैं जो आपको याद रखनी है, लद्दाख वाली याद रखना, बिहार वाली याद रखना, यूपी की याद रखिएगा क्योंकि ये अभी लेटेस्ट जोड़ी गई है, और महाराष्ट्र की याद रखना, राइट। तो ये आपको सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट साइट थी वो मैंने आपको पढ़ा दी, याद हो गया। उत्तराखंड की ठीक है, चलिए मैंने आपको सारी बता दी, ऑलराइट। चलो तो अभी आपसे मिलेंगे 4:30 बजे के क्लास में ड्रीम यूपीएससी पे। और आप में से कोई ऐसा तो नहीं है भैया जिसको नहीं पता है कि आज शाम को ये क्लास है 6:30 बजे, सब जानत हो ना इसके बारे में। हाँ जी, लास्ट में आसन कंजर्वेशन सेंटर, ये उत्तराखंड के अंदर है। तो आज आपसे मिलेंगे अभी 4:30 बजे। अगर सपोज इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ के खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत लेट आज प्रेजेंट हुआ है, तो इसको हम लोग कल करेंगे, कितने बजे, सुबह 8:30 बजे, और 4:30 बजे हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा देंगे, राइट। करंट अफेयर्स की पीडीएफ नहीं मिली, क्या बात करी है तुमने, जन्मों पहले शेयर कर दी हमने, ओके। उसके बाद में कल आपका 10 बजे ये क्लास रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, वही वाईफाई स्टडी पे जहाँ पे हमेशा होता है। और बस ये याद रखना कि वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास, ये टॉपिक दोबारा रिपीट नहीं होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो आज तक मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा है और यहाँ पर है क्लास के अंदर, कोई ऐसा तो नहीं है, हाँ तुम सबसे पहले होते हो। वेल, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप में से जो बच्चा ऐसा है जिसने पेड बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आपके पास में 31 जनवरी तक का टाइम है, यू कैन ज्वाइन। कोड क्या लगेगा, प्रति टाइम कोड इसमें यूज होगा, फाइन। ये रहा लिंक ज्वाइन करने का, प्लीज टेलीग्राम एक बार से देख लीजिएगा, 4:30 बजे आपको एक लिंक मिलेगा और 6:30 बजे एक लिंक मिलेगा, और रात में सोने से पहले जरूर 10 बजे टेलीग्राम चेक कर लेना, राइट। डन डन,
चलो मिलते हैं फिर, टेलीग्राम लिंक, अच्छा रुको एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वेट। चलिए भैया, आप में से जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज तक इस पे नहीं जुड़े हैं, है ना, तो प्लीज भैया इस पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने लिंक शेयर कर दिया। ओके मैम, रेलवे एसएससी चेंज नहीं, ना बच्चा वो चेंज नहीं होता। टोटल कितनी रामसर साइट है रूबे, ऐसी सवाल करोगी तो पिटाई हो जाएगी, 42 है। ओके, ईमेल आईडी krithi.singh@unacademy.com, ठीक है, krithi.singh@unacademy.com। ओके, तो ये देखो मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया, अगर यहाँ से ज्वाइन ना हो पाए तो आप क्या करोगे, आप सीधे जाओगे टेलीग्राम पे, वहां सर्च करोगे करेंट अफेयर्स बाय कृति, आपको मिल जाएगा, राइट। बस ये देख के ज्वाइन करना, उस पर 58,000 वाला जो ग्रुप है वो मेरा ग्रुप है, क्योंकि काफी सारे फेक अकाउंट्स भी बने हुए हैं। ओके चलो, अच्छा रामसर साइट का मतलब क्या है, बेटा रामसर साइट का मतलब ये है, एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे पक्षी आते हैं, और एक तालाब जैसा जो जगह होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेटलैंड कहते हैं, और इस वेटलैंड की सबसे पहली मीटिंग हुई थी रामसर के अंदर, इसीलिए इसको रामसर साइट कहा जाता है, ठीक है। ओह बहुत मुश्किल सवाल तुमने पूछा था, चलो अच्छा मिलते हैं शाम को 4:30 बजे, प्लीज डू चेक टेलीग्राम, उस पर बिल्कुल एक्टिव रहा करो, अगर हम कोई भी लिंक उस पर शेयर करते हैं। ओके हितेश, नहीं तुम दिखाई दे रहे हो मुझे, एटीट्यूड एचपी हितेश कहाँ, यूट्यूब पे ब्लॉग दो, चलो हम एक बार से देख लेंगे उस पर। टेलीग्राम लिंक मैंने आपको बता दिया, आपको कैसे सर्च करना है, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से मेरा टेलीग्राम है, आप उस पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।